हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। दिस इज आरती शर्मा, यू आर वाचिंग स्टडी टेबल। आज जो पोयम हम कवर करने वाले हैं उसका नाम है डैफोडिल्स एंड दिस इज रिटन बाय विलियम वॉर्ड्सवर्थ। वन मोर थिंग, थैंक यू सो मच फॉर 5000 सब्सक्राइबर्स। अब हमारे चैनल पर हमारी यूट्यूब फैमिली हो चुकी है 5000 सब्सक्राइबर्स की, 5000 मेंबर्स की, तो उसके लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। आशा करती हूँ आगे भी आप मुझे ऐसे ही लाइक करते रहोगे एंड जो भी मेरे इशूज़ है, जो भी प्रॉब्लम आ रहा है आपको वीडियोज़ समझने में, वो मुझे कमेंट करके बताइए। I will definitely try to work on that। चलिए हम शुरू करते हैं पोएम को। टाइटल का नाम है डैफोडिल्स एंड सबसे पहले हम इसके टाइटल को डिस्कस करते हैं। डैफोडिल्स आर एक्चुअली टाइप ऑफ फ्लावर। ये एक फ्लावर होते हैं, येलो कलर के होते हैं। यहाँ इमेज में भी दिखाया गया है, आप इस बुक के इमेज में देखिए, ये येलो फ्लावर्स को ही डैफोडिल्स बोला जाता है। ये एक पर्टिकुलर सीजन में होते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर होते हैं। और जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ को नेचर पॉइंट भी बोला जाता है, ये नेचर से बहुत कनेक्टेड थे तो इनको नेचुरल ब्यूटी बहुत अट्रैक्ट करती थी और इसीलिए उन्होंने ये पोएम लिखा है। तो ये थी टाइटल की बात। चलिए हम शुरू करते हैं स्टैंजा। आई वेंडर लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लॉट्स ऑन अ हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है, आई वेंडर्ड, वेंडर्ड मतलब क्या होता है, रोमिंग, इधर उधर घूमना, भटकना। मैं क्लाउड्स की तरह घूमता हूँ, भटकता हूँ। यहाँ पर स्पीकर है आई और उसे कंपेयर किया गया है क्लाउड से, इट मीन्स कंपैरिजन चल रहा है। और यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है एज, तो एज और लाइक वर्ड जहाँ मिले और जहाँ दो चीज़ों या दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो तो उसे फिगर ऑफ स्पीच में सिमिली कहा जाता है। तो ये फर्स्ट लाइन में हमें सिमिली देखने को मिला, दैट फ्लॉट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। तो यहाँ पॉइंट अपने आप को क्लाउड बताते हैं और बोलते हैं कि जैसे क्लाउड फ्लॉटिंग करता है, ऐसे ऐसे जाते रहता है, फ्लॉट करना मतलब हल्का तैरना, वैसे ही मैं हाई वेल्स, वेल्स मतलब वैली, वैली और हिल्स के ऊपर ऑलवेज इधर उधर भटक रहा हूँ। जैसे क्लाउड एमलेसली भटकता है, घूमता है, वैसे ही मैं भटक रहा हूँ। व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड, और उसी समय मुझे क्या दिखाई देता है, मुझे एक क्राउड दिखाई देता है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर क्राउड यूज़ किया जाता है लोगों के लिए, पीपल के लिए, बट यहाँ पर यूज़ किया गया है फ्लावर्स के लिए। तो जब कोई नॉन लिविंग थिंग को हम एक ह्यूमन बींग की क्वालिटी देते हैं तब उसे पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। अगर यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया गया है, यहाँ पर पॉइंट वापस रिपीट करते हैं, दैट व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड, जब मैं फ्लॉटिंग कर रहा था हाई हिल्स पर, व्हील्स पर, इट मीन्स वैली पर, तब मुझे एक क्राउड दिखाई देता है और वो क्राउड होता है गोल्डन डैफोडिल्स का। होस्ट मतलब क्या होता है, ग्रुप। ओके, बिसाइड्स द लेक बीनीथ द ट्रीज, और ये डैफोडिल्स कहाँ पर थे, ये लेक के साइड में थे, एंड बीनीथ द ट्रीज, और ट्रीज के नीचे थे, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। और ये डैफोडिल्स, ये फ्लावर्स एक्चुअली कर क्या रहे थे, ये एक्चुअली फ्लटरिंग एंड डांसिंग, दे वी आर एक्चुअली फ्लटरिंग, फ्लटरिंग मतलब होता है फड़फड़ाना, एंड डांसिंग मतलब डांस करना, ब्रीज मतलब हवा, तो वो हवा में डांस कर रहे थे, फ्लटरिंग कर रहे थे। ओके, तो यहाँ पर अगेन हम देखते हैं कि फ्लावर्स को ह्यूमन बींग्स वाली क्वालिटी दी गई है, फ्लटरिंग एंड डांसिंग, जो कि एक ह्यूमन बींग की क्वालिटी होती है। तो ये यहाँ पर अगेन पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया गया है। नेक्स्ट देखिए, कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, दे स्ट्रेस्ड इन नेवर एंडिंग लाइन। तो जैसे स्टार्स जो है वो ऑलवेज साइन करते रहते हैं, कहाँ पर साइन करते हैं, ट्विंकल करते हैं, ब्लिंक करते रहते हैं मिल्की वे में, इट मीन्स दैट स्काई में, दे स्ट्रेच, दे यहाँ पर आया फ्लावर्स के लिए, जैसे स्टार्स ऑलवेज साइन करते हैं वैसे ही वो फैले हुए थे, स्ट्रेच मतलब फैले रहना, नेवर एंडिंग लाइन, जो लाइन कभी नहीं ख़त्म होती है, इट मीन्स लेक के पास, ट्रीज के पास, वो लंबे, एकदम लंबे चले जा रहे हैं, फ्लावर ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ अ बे, बे मीन्स अ टाइप ऑफ वाटर बॉडीज जस्ट लाइक रिवर। तो वो कितने थे, देखिए ये जो फ्लावर्स है कितने हैं, 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस। तो यहाँ पर नेवर एंडिंग लाइन उनको क्यों बोली गई है, क्योंकि उनका जो पैटर्न है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। यहाँ भी देखिए आप इमेज में, ये एक एक बार देखने से 10,000 लाइन्स दिखाई दे रही है, टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस। अब अगेन वो देखिए यहाँ पर ये फिगर ऑफ स्पीच जो यूज़ किया गया है, टॉस मतलब उछलना, तो जो फ्लावर्स अपने हेड को उछाल रहे हैं, इट मीन्स दैट ऐसे ऐसे हील रहे हैं बार बार, और स्प्राइटली लाइक ब्राइटली डांस, तो वो बहुत ही ब्राइटफुली डांस कर रहे हैं। यहाँ पर भी पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया गया है, इससे पहले वाले लाइन में भी ये जो यूज़ किया गया था, कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट साइन, यहाँ पर एस का वर्ड यूज़ किया गया और फ्लावर्स को कंपेयर किया गया स्टार्स से, इसीलिए हम बोलेंगे इसे सिमिली। आई होप मैं आपको क्लियर कर पा रही हूँ। नेक्स्ट चलिए थर्ड स्टैंजा में, द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली।
और इन फ्लावर्स के साइड में जो वेव्स है वो भी डांस कर रही है, बट दे आउटडिड, आउटडिड मीन्स होता है सरपास कर देना, इट लाइक किसी को हरा देना, बट ये जो डांस कर रही है, जो वेव्स जो है बे की डांस कर रही है, उन्हें वो फ्लावर्स जो है ना वो आउटडिड कर रहे हैं, मतलब हरा दे रहे हैं, स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। तो वो किसे हरा रहे हैं, वो इन वेव्स को हरा रहे हैं, ग्ली मतलब हैप्पीनेस, हैप्पीनेस में डांस करने में वो इन वेव्स को हरा दे रहे हैं। अ पॉइट कुड नॉट बट बी गे, गे मीन्स हैप्पी होता है, तो एक पॉइट ये सब देखकर क्या हो सकता है, बहुत खुश हो सकता है। इन सच अ जकंट कंपनी, ऐसी कंपनी जब पॉइट को मिल जाए किसी भी नेचर लवर पर्सन को, तो वो और क्या होगा, वो बहुत खुश हो जाएगा। आई गेस्ड एंड गेस्ड बट लिटिल थॉट व्हाट वेल्थ द सो टू मी हैड ब्रॉट। यहाँ पर पॉइट क्या बोलते हैं, आई गेस्ड एंड गेस्ड, गेस्ड मीन्स क्या होता है, कंटिन्यूसली देखते रहना। तो ये इस फ्लावर्स की ब्यूटी से, इस नेचर की ब्यूटी से कंप्लीटली अट्रैक्टेड हो गए, इन्हें एक लगातार देख रहे हैं, बट देखते समय इनके मन में लिटिल थॉट आई हैड, लाइक उन्हें थोड़ा भी आइडिया नहीं था कि वो कौन सी संपत्ति को, किस चीज़ को वो अपने साथ लेकर जाने वाले हैं। यहाँ पर वेल्थ किसे बोला गया है, वेल्थ यहाँ पर इस नेचर का जो साइट है, जो दृश्य ये देख रहे हैं, उसे बोला गया है, क्योंकि वो उस समय सिर्फ इंजॉय कर रहे थे, उन्हें नहीं पता था कि ये उसके लिए लाइफ टाइम की मेमोरी बनने वाले हैं। फॉर ऑफ्टन वैन ऑन माई काउच आई लाई इन वेकेंट और इन पेंसिव मूड। ये इसे वेल्थ क्यों बोला गया, इस फ्लावर को पॉइट ने, स्पीकर ने इसे वेल्थ क्यों बोला है, क्योंकि ये क्या बोलते हैं, ऑफ्टन जब कभी भी मैं अपने काउच पर ऐसे लेटा रहता हूँ, काउच मतलब सोफा, सोफे पर जब भी लेटा रहता हूँ, वेकेंट और इन पेंसिव मूड, वेकेंट मतलब खाली टाइम में, पेंसिव मतलब डीप पॉन्डरिंग थॉट, जब हम अकेले रहते हैं तो हम काफ़ी कुछ सोचते हैं, तो पॉइंट बोलते हैं कि जब कभी भी मैं अकेला रहता हूँ और अपने माइंड में रहता हूँ, मेडिटेटिव मूड में रहता हूँ, दे फ्लैश, दे यहाँ पर अगेन आया फ्लावर के लिए, ये फ्लैश बैक करते हैं, ये जो साइट जो था, ये जो साइट है, ये इससे क्या होता है, फ्लैश बैक होता है, दैट इन इनवर्ड आई, इनवर्ड आई मतलब क्या होता है, लाइक अपने मन की जो हैं, मन की आंखों से ये वापस इन फ्लावर्स को देख पाते हैं, विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। और ये जो अकेलेपन में जो देख रहे हैं, वापस उस दृश्य को जी रहे हैं, जो इंजॉय कर रहे हैं, उसे वो ब्लिस बोलते हैं, ब्लिस मीन्स लाइक ब्लेसिंग, और सॉलिट्यूड मतलब अकेलापन। तो जब कभी भी अकेले होकर लेटते हैं और ये वापस से जब फ्लैशबैक होता है ये फ्लावर का, तो उन्हें ये ब्लेसिंग जैसा लगता है। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स, और उसके बाद इनका हार्ट जो है ना प्लेजर से फिल हो जाता है, पूरा फुल ऑफ प्लेजर हो जाता है, एंड डांसेज विद द डैफोडिल्स, और वापस से डैफोडिल्स के साथ डांस करने लगता है। तो ये थी हमारी पोएम, आप कमेंट करके मुझे बताइए आपको कैसी लगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप यहाँ पर पोएट के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे बहुत ही ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट थे, एंड उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज वगैरह भी लिखी है। वर्ड्सवर्थ ट्रीटमेंट ऑफ नेचर इज चीफ ग्लोरी एज अ पोएट। तो वर्ड्सवर्थ ने नेचर को जैसे ट्रीट किया और जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, वो सच में बहुत ही लाइक एडोरेबल है। और वो जब कभी भी कंट्री साइड में चलते थे, जब कभी उनके पास टाइम होता था, कंट्री साइड मतलब आउटर एरिया जहाँ पर ब्यूटी होता है, तो उन्हें ना ये बहुत इंटरेस्ट होता था, ये ऑब्जर्व करते थे और अपने चारों तरफ देखते थे, उन्हें बहुत प्लेजर मिलता था इस चीज़ में, और ये हमें इस पोएट्री से भी क्लियरली एविडेंट ये मिला है। तो अदर पोएट्स जो थे, सी द ब्यूटी दैट इज़ इन नेचर, द कलर्स, द फॉर्म्स एंड ऑल द अदर डिटेल्स, वर्ड्सवर्थ सीज ऑल दिस एंड मोर। तो अदर पोएट्स जो है ना, वो ठीक है वो नेचर को देखते हैं, कलर्स को देखते हैं, उसकी ब्यूटी को देखते हैं, लेकिन वर्ड्सवर्थ नेचर में कुछ और ही खोजता है, उन्हें जैसे ह्यूमन बीइंग जैसी क्वालिटी दिखाई देती है, उन्हें बहुत डीपली वो कनेक्टेड फील करते हैं, और उन्हें ये जो सरफेस है ना वो एकदम विजिबली दिखाई देता है। ही लुक्स ऑन नेचर विथ हिज इनवर्ड आई, वापस से वही बात, अपने इनवर्ड आई, लाइक उनके सोल में, उनके हार्ट में वो चीज़ एंटर कर जाती है और वो उसे इंजॉय करते हैं। डैफोडिल्स इज वन ऑफ वर्ड्सवर्थ मोस्ट फेमस शॉर्ट पोएम। तो डैफोडिल्स जो है ना वर्ड्सवर्थ की बहुत ही छोटी है लेकिन बहुत फेमस पोएम है। मैं आपको बता दूं, ये जो आपको साइड से आवाज़ें आ रही है, ये मेरी जस्ट अभी 4 मंथ का बेटा है एकाग्र, ये उसकी आवाज़ें आ रही है, तो मैं उसे चुप नहीं करा सकती, साथ में मुझे पढ़ाना भी कंटिन्यू करना ही है। तो आप इस चीज़ को माइंड ना करें, उसे भी इंजॉय करें और इस स्टडी को भी इंजॉय करें। इट इन इट द पोएट रिमेंबर्स दैट ही वंस सॉ अ ब्यूटिफुल सेंस अ लेक। अभी हम पोएम पढ़ लिए हैं, इस पोएम में हमने क्या देखा है कि पोएट इसमें डिस्क्राइब करते हैं कि वो एक बहुत ही ब्यूटिफुल सीन देखते हैं डैफोडिल्स, और वो उसी के बारे में बहुत हैप्पीनेस फील करते हैं, और
हर समय जब भी अकेले होते हैं तो उन्हें ये साथ में दिखाई देता है। तो बहुत सारे आइडियाज़ है इसमें, जैसे फर्स्ट पार्ट का जो पोएम का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें पोएट ने खुद के बारे में बताया है कि वो खुद से कैसे क्या सीख रहा है। सेकेंड पार्ट में उन्होंने नेचर के बारे में बताया है कि डैफोडिल्स क्या है, लीक क्या है, क्लाउड क्या है, स्टार्स क्या है, और थर्ड में उन्होंने रिलेशनशिप बताया है नेचर और खुद के बीच में। तो ये जो पोएम था रियली बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही शॉर्ट बट बहुत ही प्रिसाइज, ब्यूटीफुल एंड इन्जॉइंग था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टडी टेबल। आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। ओके।